हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी सरकार के कार्य योजनाओं से देश की जनता में विश्वास का वातावरण हुआ उत्पन्न। पार्टी के सदस्य युद्ध स्तर पर कर रहे हैं कार्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित हुई सेक्टर प्रवासी कार्यकर्ताओं की बैठक। कहा 29 जुलाई को लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 60,000 करोड़ रुपए से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास। 2,50,000 बेरोजगार नौजवानों को मिलेगी नौकरी। थाना सिकरीगंज क्षेत्र में 25,000 के नामी अपराधी को मुठभेड़ में पुलिस ने किया गिरफ्तार। SSP ने बताया लूट की 6 घटनाओं में वांछित था रामा यादव। JEE की रोकथाम के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आयोजित हुई कार्यशाला। खुले में शौच से होने वाले दुष्परिणामों की दी गई जानकारी। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने तथा पुलिस विभाग के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को SSP ने किया सम्मानित। कहा सम्मानित होने से बढ़ेगा पुलिस कर्मियों का हौसला। सिंधी समाज के नवनिर्मित सिंधी धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे CM योगी पर सिंधी समाज के लोगों ने बरसाए गुलाब के फूल। डकैती की योजना बनाते समय 5 साथी बदमाश चढ़े पुलिस की हत्थे। SSP ने किया खुलासा। कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा में जुटी पुलिस। GRP और RPF ने रेलवे स्टेशन पर की सघन चेकिंग। चोरी और लूट की घटनाओं सहित विभिन्न मामलों में वांछित 3 अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। SSP ने कहा शौक पूरा करने के लिए करते थे लूट। गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन और गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हड़ताल 7वें दिन भी रहा जारी। BJP सेक्टर प्रवासी बैठक के दौरान गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के 100% जीत के लिए कार्यकर्ता है मुस्तैद। कैंपियरगंज में प्राथमिक पाठशाला को इस्लामिक प्राथमिक पाठशाला बनाने वाले सफाई सरकार करते हैं जातिवाद की राजनीति। मांगे पूरी होने पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने क्षेत्रीय कार्यालय पर किया संयुक्त बैठक। मुख्यमंत्री को दी बधाइयां। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन BSNL के अधिकारी और कर्मचारी। अब तक किसी जिम्मेदार ने नहीं दिया ध्यान। और जिला फुटबॉल लीग के अंतिम मैच में संतोष स्पोर्टिंग खोराबार ने सद्भावना क्लब को 1-0 से हराया।